हम लोग डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स करते हैं, काम का पॉलिटिक्स करते हैं, हम लोग हवाबाजी नहीं करते हैं। जनता के बीच में काम को लेकर के हम लोग जाते हैं। फिलहाल किसके खिलाफ कर रहे हैं वो धरना पे जो बैठ रहे हैं, बिहार सरकार तो ऑलरेडी बोल रही है कि यहाँ बनाना, वहीं जाके धरना दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि यही बनना चाहिए। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि यहाँ बनना चाहिए। कुमार स्टालिन और अखिलेश यादव ये सारे लोग हैं और कास्ट पॉलिटिक्स करके आप लोग इसको भटकाना चाहते हैं। हम लोग डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स करते हैं, काम का पॉलिटिक्स करते हैं, हम लोग हवाबाजी नहीं करते हैं। जनता के बीच में काम को लेकर के हम लोग जाते हैं और कोई एजेंडा हमारा नहीं है। धर्म जाति सब व्यक्तिगत चीज है किसी का, और हम लोग हर एक धर्म और हर एक जाति की इज्जत करते हैं। सर दरभंगा हम जाना चाहेंगे, आप सब दरभंगा क्यों नहीं भाई? मैं तो देखा कि आप एक बात समझिए, आप देख रहे हैं कि भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि उसी शोभन पे बनना चाहिए और वहाँ पे हड़ताल पे बैठेंगे। आप मुझे बताइए, आप सारे पत्रकार हैं, कितना बार डिस्कस हुआ है दरभंगा में एम्स बनेगा? डिमांड तो बहुत जगह से था, बिहार के डिफरेंट जगह से डिमांड था कि एम्स बनना चाहिए। दरभंगा में एम्स बनेगा ये किसने तय किया? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तय किया कि पटना के बाद दूसरा एम्स बनेगा तो दरभंगा में बनेगा, दूसरा क्यों कोई और तय नहीं किया है। और खुद समाधान यात्रा में जा करके उस जमीन को देख करके उन्होंने तय किया कि ये जमीन पर एम्स बनना चाहिए, और उसके बाद उसमें जो मिट्टी भरना था उसका बाउंड्री करना था 300 करोड़ रुपये से ज़्यादा कैबिनेट से पास करके दिया, 8 पैकेज में टेंडर हो गया उसका, और भारत सरकार की टीम आई यहाँ इंस्पेक्शन करने, और दिल्ली में कुछ लोग बैठ करके निगेटिव लिखवा दिए, और हमारे जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य विभाग जिनके पास है उन्होंने पत्र लिखा भारत सरकार को, दो दो पत्र लिखा है, मैं शेयर करूंगा आप लोगों से अभी कि भाई ये शोभन में ये बिल्कुल हाईवे के बगल में है, एयरपोर्ट के नज़दीक है, ग्रीनफील्ड एरिया है, हम पूरा डेवलप करके दे रहे हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि जब उन्होंने उनको एनओसी देंगे उसके बाद ही जमीन की भराई होगी, या 30-32 एकड़ जो और एक्वायर करना है वो एक्वायर किया जाएगा? जब तक एनओसी नहीं मिलता है भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से, तब तक मिट्टी की भराई कैसे होगी? ये हड़ताल किसके खिलाफ कर रहे हैं? हड़ताल किसके खिलाफ कर रहे हैं वो धरना पे जो बैठ रहे हैं? बिहार सरकार तो ऑलरेडी बोल रही है कि यहाँ बनाना है, वहीं जाके धरना दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि यही बनना चाहिए। तो हम ही लोग बोल रहे हैं पहले से, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि यहाँ बनना चाहिए, आप लोग जाकर के कैंसिल करवा दिए दिल्ली से और एक साल लेट कराया है। मिथिला में एक कहावत है, मैथिली में बोल देता हूँ, लिखो अबैये तो नहीं, आ मिटबो अबैये तो दोनों हाथ से अबैये, मिटाना दोनों हाथ से आता है, लिखने नहीं आता है। तो वही कहावत है, अरे करने आता है तो नहीं, आ प्रोजेक्ट को रोकने आता है तू तो पूरा आता है, कैसे रुकवाया जाए? ये बात है वहाँ पर। हाँ मैंने, आप बताइए ना, आप ही लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात सुने हैं, मुख्यमंत्री जी हाउस में बोले हैं कि शोभन में बनना चाहिए, अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को दिक्कत नहीं है, वहाँ बनता है जल्दी से भरवा दीजिए। तो कैसे भरवा दें? एनओसी आएगा तभी ना भरवाएंगे, 300 करोड़ रुपया जनता का पैसा है, आ कल हम भरवा दें आप कहिए कि नहीं यहाँ नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? आप एनओसी भिजवाएंगे स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार से, पहले तो प्रधानमंत्री जी को गुमराह कर दिए कि बन गया एम्स दरभंगा, देखे थे ना आप लोग भी, देखे ना आप लोग कि एम्स बन गया दरभंगा में। तो वो एनओसी आ जाएगा, जिस दिन एनओसी भारत सरकार से आ जाएगा उसके अगले दिन से वहाँ मिट्टी भरे का काम शुरू होगा। अमित शाह तो कह रहे हैं कि आप लोग की मंशा ठीक नहीं है, आप बताइए ना, उनके लोग बोल रहे हैं कि वहीं बनना चाहिए, जो बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं उनके लोग बोल रहे हैं वहीं बनना चाहिए, मनसा क्या नहीं ठीक है? हम तो बोल रहे दरभंगा एम्स किसने डिसाइड किया, और जो बिहार सरकार जमीन दे रही है वो जमीन का वैल्यू नहीं है, और 300 करोड़ रुपया भरवा रही है बिहार सरकार, तो वो इतना बड़ा एम्स बनाने में बिहार सरकार का रोल नहीं है। मनसा ठीक इसलिए है कि हमारे मुख्यमंत्री जी खुद जाकर स्पॉट पर खुद सेलेक्शन किए हैं जगह का, ये ध्यान रखिएगा, खुद गए हैं स्पॉट पर, जो डीएम है दरभंगा के उन्होंने सजेस्ट किया है जमीन, खुद स्पॉट पे जाके तय किया, और हमारे कैबिनेट ने पैसा सैंक्शन कर दिया है, टेंडर कर दिया है 8 पैकेज में, जल्दी काम हो जाए,
और जल संसाधन विभाग जो नदी है हमारी वहाँ पर, उसमें भी एनओसी दे रहा है कि वहाँ से मिट्टी उठा करके भरवा लीजिए, जो आपको दिक्कत नहीं। बिहार सरकार के तरफ से कहीं कोई समस्या नहीं, डेवलपमेंट में हम लोग राजनीति नहीं करते हैं कहीं भी। और नीतीश कुमार जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जब भी विकास की बात आई है उन्होंने कभी राजनीति से नहीं की।